हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वैसे ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए भाग का सवाल सिखाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से कि आखिर भाग का सवाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भाग के सवाल का कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो ये जो दो लिखे हैं ये दो भाजक कहलाते हैं और ये भाज्य कहलाते हैं, और जो यहाँ पर आएगा वो भागफल होगा, और जो हमारा यहाँ पर शेष बचेगा वो शेषफल होगा, और नहीं बचेगा तो कुछ भी शेषफल में नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो दो है उसका हम इन संख्याओं में भाग देंगे। तो वो भाग कैसे देते हैं कि जो दो है उसका सबसे पहले एक संख्या में देके देखेंगे, तो एक संख्या में चला जाएगा हमारा। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। यहाँ पर ये हमने दुनिया पहाड़ा भी लिखकर रखा हुआ है। तो चलिए इसका इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं। तो दो एक कम दो कितनी बार गया है? केवल एक बार ही गया है। कितनी बार गया है? एक बार गया है। तो यहाँ पर हम दो लिख लेंगे। और कितनी बार गया है? एक बार। तो यहाँ पर एक लिखेंगे, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। इसमें से इसको माइनस करें तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो है इसको चार से भाग करेंगे। इसको यहाँ पर तो अब बचा नहीं है, तो इसको यहाँ पर नीचे उतारेंगे। इसको यहाँ से नीचे उतार लेंगे तो यहाँ पर चार आ जाएगा। अब दो से चार को भाग देंगे। दो से चार को भाग देंगे कितनी बार जाएगा? तो दो एक कम दो, दो दूनी चार, कितनी बार जाएगा? दो बार जाएगा। तो यहाँ पर हम दो लिख देंगे और इसके नीचे हम चार लिख देंगे, और यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट संख्या है जो हमारा आठ है उसको नीचे उतारेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आठ। क्या आ जाएगा? आठ। तो अब आठ में दो का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो दो दो से आठ में भाग दीजिए। दो का दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौक आठ। कितनी बार गया है? चार बार गया है। कितनी बार गया? चार। तो यहाँ पर हम चार लिख देंगे और आठ यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जीरो। कुछ भी नहीं आएगा, आठ से आठ चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो कंप्लीट हो गया है। और ये जो दो है ये हमारा भाजक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये है हमारा भाजक है और ये है भाज्य। इसको हम भाज्य बोलते हैं। और ये हमारा क्या आ गया है, ये निकल के ये हमारा आ गया है भागफल। भागफल हमारा ये आ गया है, और यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बचा है तो ये हमारा शेषफल है। शेषफल हमारा जीरो आ गया है। क्या आ गया है? जीरो आ गया है। इसको हम शेषफल बोलते हैं। तो इस प्रकार से भाग के सवाल किए जाते हैं हम